पानीपत में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीन और आरोपित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस द्वारा पहले भी तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि इन आरोपितों ने जयकरण निवासी गांव निम्बरी के साथ डंडों व बिंडों के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने पीड़ितों की इलाज के दौरान मौत होने पर धारा 302 और 120 BIPC जोड़ी थी। यहां आपको यह भी बता दें कि आरोपित गौरव, प्रदीप व रोहित सनोली व बापोली एरिया में शराब ठेकों में हिस्सेदार हैं, जो इस एरिया में अपनी ठेकेदारी की दहशत फैलाना चाहते हैं। इन शराब के ठेकेदारों को जयकरण निवासी निम्बरी पर पूरा शक था कि ये इनके इलाके में अवैध शराब बेचने का कार्य करते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि ये सभी आरोपित कई दिनों से जयकरण को सबक सिखाने के लिए जयकरण की तलाश में घूम रहे थे, जिन्होंने 13 मार्च को जयकरण निवासी गांव निम्बरी को दो मोटरसाइकिल व एक गाड़ी की सहायता से नाकाबंदी करके घेर लिया था और डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला किया और दोनों टांगे तोड़ दी थी। ये आरोपित अपनी गाड़ी में जयकरण को उठाकर उसको मरा हुआ समझकर दूसरी जगह फेंक गए थे। इस हमले से जयकरण इतना दहशत में आ गया तो उसने पुलिस को कंप्लेंट देने से ही मना कर दिया और पुलिस को बताया कि उसका कुत्ते के साथ एक्सीडेंट होने से टांगे टूट गई हैं। लेकिन मीडिया में इस घटना के बारे में लिखा गया था, जिस पर पुलिस कप्तान पानीपत ने तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पानीपत DSP मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि तीन आरोपितों को पहले काबू कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि तीन अन्य आरोपितों को भी काबू कर न्यायालय में पेश कर उन्हें रिमांड पर लेकर आगामी जाँच शुरू की है। सर, शराब के ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया, हत्या के आरोप में क्या कुछ मामला थे? हाँ, देखिए, आज से 10-15 दिन पहले एक FIR हुई थी सदर थाने में। वो किसी एक लड़के को इन्होंने पीट दिया था, तो उस और उस लड़के की बाद में मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो उसमें 302 IPC लगी है और उसमें एक लड़के को पहले गिरफ्तार कर लिया था और तीन लड़कों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने का ये मामला है। शराब को लेकर इन्होंने कुछ उसके साथ मारपीट की? हाँ, कुछ ऐसी ही उसमें शिकायत थी कि ये शराब बेच रहा था और ये उसको रोकना चाहते थे, इस टाइप से ही कोई शिकायत थी। वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, असली फैक्ट तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आएंगे। ये सोनू नरवाल भी शराब का बड़ा ठेकेदार पानी पत। हाँ, ऐसा ही बताया गया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।